छत्तीसगढ़ जहां पर किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। न धनेन भैया बलाए बरगेरी से, न मैं बलाए बरगेरे हैं, और अशोक भैया कहते कि मैं आथ रायपुर, हम कहें कि अभनपुर में कार्यक्रम है वहां लेखबो, तो ऐसी जिला सही मायने में अतिथि के थे, उकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ आदरणीय अशोक गहलोत जी। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, उकर साथ में आए आदरणीय प्रमोद जैन जी, साथ में लालचंद कटारिया जी, रोहित बोहरा जी, जिन हमारे अशोक भैया के साथ में यहाँ आए हैं, सबो मंत्री और विधायक पर एक बार जोरदार फिर से ताली, आप सब से आग्रह। साथ ही मंच में उपस्थित हमारे जल संसाधन और कृषि मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, नगरी प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री डहरिया जी, सांसद भाई सुनील सोनी जी, छाया वर्मा जी, और जेकर नेता में हम सब आए हैं, हमारे बड़े भैया धनेन्द्र साहू जी, तुम्हारे घर के सियाने, तुम्हारे भाई, तुम्हारे सगा सौदार साहब, सुख दुख के साथी, एक बार जोरदार धनेन्द्र भैया नार जो कमती हुई से रात से एक बार जोरदार जग नारा धनेन्द्र भैया। शारदा वर्मा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, शीला कटरा जी, नारायण कुर्रे जी, रतिराम साहू जी, टिकेन बघेल जी, धनराज मध्यानी जी, भागवत साहू जी, साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष गोयल जी, भाई अजय साहू जी, जी सिंह जी, मुस्ताक ढेबर जी, रामा यादव जी, संदीप पारक जी, सौरभ शर्मा जी, ऋषभ बोत्रा जी, मनोहर मल संचेती जी, उपस्थित हमारे सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, सबो समाज के सब मुखिया मन और पत्रकार संगवारी मन, बहुत अकन लोकार्पण, बहुत अकन भूमि पूजन, और एकर पहली वन चरौदा में गठान के निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा, आज ये भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में और किसान सम्मेलन में आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। आज पूरा देश में जी हां मंदी के प्रभाव है, जी हां बड़े बड़े फैक्ट्री मन बंद हो थे, कर्मचारी मन के छटनी हो थे, वहीं छत्तीसगढ़ में सब और खुशहाली है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में 19% की गिरावट पूरा देश में, अकेला मार्च महीना में 36% की वृद्धि हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे यहां जिन नीति बनाए, कार्यक्रम बनाए, जमीन मन के रजिस्ट्री हो थे, खूब खरीदी बिक्री सराफा में होते, 84% की वृद्धि, ये सब वृद्धि कैसे हुई? काबर के हमन है ऋण माफी के साथ साथ 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करें, आदिवासी मान लग तेंदू पत्ता के 4000 प्रतिमानक बोरक दर से तेंदू पत्ता खरीदें, बिजली बिल 400 यूनिट तक के आधा करें, और ओकर साथ साथ 35 किलो चावल गरीब मन के साथ साथ जिन सामान्य वर्ग के है तीनों मल्ल दे के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, और उन्हें तक के हम सीमित नहीं रहे, छोटे प्लाट मन के रजिस्ट्री मन में
छूट करें, 30% तक के कलेक्टेड गाइडलाइन में कमती करें और कर कारण से हमारे यहाँ सबो सेक्टर में ग्रोथ बता थे, वृद्धि बता थे। तो आज यहाँ किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, वहीं व्यापार और रोजगार भी चलत है। उद्योग मन पर अलग से नीति, व्यवसायी मन पर नीति, हमन ऐसे कोई वर्ग नहीं है जेल हमन है छोड़े हो। वो पिछले सरकार अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% कर देरी से हमन जनसंख्या के आधार पर, बाबा साहब अंबेडकर जन जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हुए, अनुसूचित जाति के जनजाति को लाभ मिली। हमन है आदिवासी मन के 32% और अनुसूचित जाति के मन 13% और जैन बीपी मंडल के अनुशंसारी से पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण और लोकसभा में जिन पारित हुए तो जिन सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति है तीनों मतलब 10% के आरक्षण। देश में सबसे ज्यादा 82% के आरक्षण छत्तीसगढ़ में। हमन संविधान लमानथन, उकर पालन हमन करें, जिन लोकसभा में पारित हुए तेकर पालन हमन करें और कर देते हमन पूरा विश्वास है। दूसर जगह तो लड़ाई झगड़ा होते हैं, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। काबर संविधान में जिन प्रदत्त अधिकार है तेकर पालन हमन करें, तेकर किसी को लाभ मिले। हमन वहां तक के नहीं रुके, बल्कि जिन हमार समाज मन में छत्तीसगढ़ के जिन मुख्य त्योहार है यूं छुट्टी करें, हरेली के छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस के छुट्टी, हमार बहनी मन के तीजा की छुट्टी, भक्त माता कर्मा के दिन जयंती भर छुट्टी और तो हमारे उत्तर भारत के भी बहुत साथी मर रहे थे, हमन छठ पर्व की भी छुट्टी दे। हम ये प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में हमन निर्णय लें देकर फायदा सब जन ल। गांधी जी की 150वीं जयंती और ये 150वीं जयंती में ग्राम स्वराज के बाद कही थे, स्वावलंबन के बाद गांधी जी कही थे और वही अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ में काम चले थे। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा गुरुआ बारी, नरवा मन में पानी रोके के काम, ताकि हमारे पेयजल भर, सिंचाई भर, निस्तार भर, उद्योग भर पानी के कमी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ गरवा, आज फसल बचाना मुश्किल है, गौ पालन करना कठिन है, आज सड़क में एक्सीडेंट होते, फसल ला नुकसान करा थे, अवकर सिटी गौठान की योजना गांव गांव हमन बनाना है। ये साल 2000 के हमना टारगेट रखे रहे, हरेली के दिन 1500 गौठान मन के लोकार्पण करे हैं। जिन हिसाब से मांग चला थे आने वाला वित्तीय वर्ष में 50% हमार गांव के गौठान हमल बनाना है, लेकिन ये काम केवल सरकार के भरोसा नहीं हो सका है। बना के दे के काम हमार, लेकिन चलाए के काम गांव वाला मन के। अवकर स्थिति हर गांव में गौठान समिति हमन बनाते हैं, उन्हें आप सब लजे मन गौ पालन में जे मन विशेष रुचि है वो सब साथी मन लोग शामिल कराओ। अब प्रत्येक गौठान समिति शासन की ओर से 10,000 रुपया प्रति महीना मिली और वर्मी खाद है, कंपोस्ट खाद एकर से बनाओ, 3 पैसा आई, 3 हमारे जत्का गौठान समिति ते मन लाभ मिले। जिन गाय पालन करना नुकसान के धंधारी से हमन वो लाभकारी धंधा के रूप में हमन परिवर्तित करना है, नस्ल सुधार करे के काम हमन करना है। ये दिशा में आप सबके सहयोग, हमारे गांव के जिन पुराना जिन परंपरा है तेकर हमन निर्वहन करना है। वही सुव्यवस्थित रूप से 5 एकड़ जमीन गौठान भर और 10 एकड़ जमीन है तीन चारा भर हर गांव में सुरक्षित हमन करना है। गांव वाला मन से मिल के करना है, कोई लड़ाई झगड़ा करे के जरूरत नहीं है, सुनता सलाह से काम लग करवो। और हमारे जन छत्तीसगढ़ है दिल गांधी बाबा के सपना के रूप समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना है, सुराजी गांव हमला बनाना है, संपन्न छत्तीसगढ़ हमला बनाए। आज पूरा छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर के सुपोषण छत्तीसगढ़,
सुपोषित छत्तीसगढ़ के अभियान, शहरी क्षेत्र में भी जैसे बस्तर में सरगुजा में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक शुरू करें, वही प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू करना है। और सबला चावल मिले, सबला अनाज मिले, देकर बर सार्वभौम पीडीएस एपीएल कार्ड के भी 2 अक्टूबर से शुरू हुई। हमला नवा छत्तीसगढ़ गढ़े पर आप सबके सहयोग आशीर्वाद। जैसे विधानसभा में 68 सीट जीता है, अभी खबर आया थे दंतेवाड़ा में भी 10,000 वोट से कांग्रेस आगे है। ये कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के जिन योजना है देकर लाभ हमला मिली से दंतेवाड़ा के जनता भी मैं बधाई देते हुए अपन बात ल विराम देख। पहले धनेन भैया जिन मांग रखे यहाँ नवापारा गोबरल तहसील बनाए के, ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था यहाँ तहसील बनाए जाए। कन्या महाविद्यालय के बाद अभी बजट सत्र में धनेन भैया जाना थे, बजट सत्र जब आई तो मैं वो समय याद दिलाए पर निवेदन कर रहा था, वो समय आप याद दिलाओ, निश्चित रूप से पूरा मन पूरा करबो। बहुत अकन मांग धनेन भैया के, ये कोई काम छूटे नहीं, सबो काम हम स्वीकृत करबो, ये विश्वास दिलाते हुए मंच में नीता शर्मा बैठे होकर नाम नहीं ले पाए होकर क्षमा चाहते हुए आप सब ल धन्यवाद देते हुए, आप सब ल प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। आपने इस नगर में नगर को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की, साथ ही आने वाले सत्र बजट सत्र में कन्या महाविद्यालय की भी घोषणा आपने की है, और जितनी भी मांगे माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा आपके समक्ष रखी गई आपने सभी को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके लिए मैं पूरे नगरवासियों से अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्री अशोक गहलोत जी, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की यह जो महती योजना है इसने सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में साथ ही साथ विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है। उसी का परिणाम है कि आज माननीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच उपस्थित है। उन्हें जब पता चला कि छत्तीसगढ़ में यह इतनी महती योजना चल रही है जिसकी पूरे देश में ही नहीं विश्व में प्रशंसा हो रही है, तो उन्होंने यहां आने की इच्छा जाहिर की। और हम सबका यह सौभाग्य है, अभनपुर का यह सौभाग्य है, नवापारा का यह सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें हमारे इस अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ही एक गौठान का निरीक्षण कराने का निर्णय लिया। और हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में यहां उपस्थित हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन के लिए। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी। हमारे समारोह के अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे भाई भूपेश बघेल जी, शिव भेड़िया जी, रविन्द्र चौबे जी, धनेन्द्र साहू जी और हमारे संग आए हुए कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, गो सेवा मंत्री व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया साहब, रोहित बोरा जी विधायक, श्रीमती शारदा देवी जी वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, श्री नारायण कुरे जी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, विजय गोयल साहब अध्यक्ष नगर पालिका नया पारा और तमाम साय शर्मा जी राज्यसभा सांसद और लोकसभा के सांसद भाई सुनील सोनी जी, अन्य तमाम उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज आपके इस क्षेत्र में आकर के बहुत खुशी हुई। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। मैं तमाम उन संस्थाओं को बधाई देता हूँ जिनके आज यह कार्यक्रम संपन्न हुए। भूपेश बघेल जी ने अभी सारी बातें आपको बताई किस प्रकार से
उनका सपना है छत्तीसगढ़ के विकास का, और सपना होना भी चाहिए क्योंकि 15 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने पुनः मौका दिया है सरकार बनाने का। हमारे नेता राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सब ने भूपेश बघेल साहब के जो काम है उनकी तारीफ करी। उनकी शुरुआत ही गोठान की योजना से हुई। ये योजना अपना